हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। अब आप कुछ गलत मत समझिएगा, पहला उसका खुद का बाप था और दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मुंह बोला बाप भी मानता था। पहले वाले ने PhD की थी पर दूसरे ने कभी 8वीं पास नहीं की थी। दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था पैसा सारे फसाद की जड़ है और दूसरा बोलता था पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारे हैसियत से बाहर है। दूसरा कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते खोजे जिससे कि वो सारी चीज़ें खरीद सके। ये करने से उसका दिमाग भी तेज होगा और नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। पहला कहता था खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ ले ताकि तुझे अच्छी नौकरी मिले और तू बड़ा इंसान बन सके। दूसरा कहता था तू खूब मेहनत कर और अपनी खुद की कंपनी खोल ताकि तू लोगों को नौकरियां दे पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों बापों को बढ़ते और उनकी तरक्की देखी थी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों कमाए, जबकि उसका दूसरा बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में डिफरेंस जानना। अब आप थोड़ा गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में इसके बारे में जानकारी दी है। एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज कोई भी वो चीज होती है जो आपकी जेब में से पैसे ले ले या फिर आपके पैसे खत्म करे। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पे ही खर्चा करते हैं। मिसाल के तौर पे रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश उन पैसों से नई बाइक, नए कपड़े, नए गैजेट्स ले लेता था, जो कि उसे अमीर जैसा फील कराते थे। पर वह यह नहीं समझता था कि ये चीज़ें लायबिलिटीज हैं जो कि उसकी जेब में से पैसे ले रही है, ना कि जब वह उन्हें खरीदता है तब, पर आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ और भी कम होती जाएगी और वह उसे आगे जाके भी कोई प्रॉफिट नहीं देगी। बट सुरेश ऐसा नहीं था। वह यह सारी चीज़ें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत ज़रूरी ना हो जाए। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अपनी खुद की स्किल्स डेवलप करना या कुछ सीखना जो कि वो आगे जाके उसे पैसे बना के दे। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया और रमेश अपनी कम सैलरी को कोसता रहेगा और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीज़न है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह है, उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे का जरूरी खर्चों में ख़त्म कर देता है। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा अलग है, उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे जरूरी खर्चों में और लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देने वाला, अनलेस कि आप उसे रेंट पे दें। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो अपने एसेट्स बनाते हैं और फिर उससे बने पैसों से वो खर्चा करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये बात याद रखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे खर्च कर रहे हैं। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर निकल के इन्वेस्टर की सोच अपनानी होगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन की वजह उनकी सैलरी है, और उनकी सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे, पर प्रॉब्लम यह नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ने पर खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकम ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदने पर मजबूर करती है, जैसे कि एक बेहतर फोन, कार, घर, जो कि फिर से बस एक लायबिलिटी है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी।
ये बातें मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक में से बताई हैं। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और अपने व्यूज भी कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।